पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने सोमवार को न्यू अशोक नगर वार्ड का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ स्थानीय निगम पार्षद रजनी पांडे और निगम अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने महापौर को बताया कि क्षेत्र में एक अवैध पार्किंग चल रही है। उन्होंने महापौर को सुझाव दिया कि चूंकि क्षेत्र में पार्किंग की समस्या है, इसलिए इस अवैध पार्किंग को वैध कर दिया जाए। इसके अलावा क्षेत्र का दौरा करते समय महापौर ने स्थानीय लोगों से भी बात की। लोगों ने महापौर को बताया कि क्षेत्र में डीडीए की खाली जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। लोगों ने महापौर से निवेदन किया कि यहां से कब्जा हटाकर पार्क विकसित किया जाए। महापौर ने बताया कि न्यू अशोक नगर कॉलोनी अनाधिकृत कॉलोनी है, जिसे पीएम उदय योजना के तहत नियमित किया जा चुका है। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए मकान की रजिस्ट्री के लिए डीडीए द्वारा जगह जगह कैंप लगाए गए हैं। महापौर ने लोगों से अपील कर कहा कि इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने मकानों की रजिस्ट्री करवाएं। महापौर ने न्यू अशोकनगर वार्ड की साफ सफाई व्यवस्था पर भी संतुष्टि जाहिर की। न्यू अशोकनगर में राउंड लिया था और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि सबसे कम कर्मचारी उस वार्ड में मात्र 130 कर्मचारी, उसके बावजूद भी क्षेत्र एकदम साफ सुथरा था। वहाँ पे कंपैक्टर प्लांट बन चुका है, इस पर जल्दी उद्घाटन होने वाला है। गलियाँ सब साफ थी, अच्छा था। एक मात्र वहाँ पे स्कूल था, स्कूल में सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी थी। दो टीचर्स छुट्टी पे थे, बाकी टीचर वहाँ उपस्थित थे। हमने रजिस्टर भी वहाँ पे चेक किया। इसके अलावा वहाँ पे जो डीडीए कैंप लगा हुआ था, जो पीएम उदय योजना है, एक जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। वो न्यू अशोकनगर अनौथाई कॉलोनी था, लेकिन पीएम उदय योजना के माध्यम से वो अनौथाई रेगुलर कॉलोनी हो गया। लेकिन लोगों की रजिस्ट्री हो जाए, लोगों का नाम रजिस्टर्ड हो जाए, उसके लिए वहाँ कैंप लगा हुआ था और लोग उसका लाभ उठाने में लगे थे। हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर रहते हैं। जब वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, डीडीएस रजिस्टर हो जाएगा, तो मकान के मालिक बन जाएंगे, उनको मकान में लोन मिल सकेगा, लोन लेके मकान को अच्छे से बनवा सकेंगे। ये सुविधा पीएम उदय योजना के माध्यम से मिलेगी और सभी को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है।